फिर भी देखो चिल है चिल है चिल है चिल है दुनिया ये मेरी। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसके फादर, उनकी कंपनी, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं आऊंगा तो सिर्फ मेरिट पे आऊंगा। तो आज इंटरव्यू है मेरा, दुआ कीजिएगा। बेटा तुम्हारा मेरिट और तुम्हारा सेंस ऑफ स्टाइल है, सच्ची बात है, बिल्कुल हीरो लगते हो। यू आर सो काइंड। आई नो। अरे वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर जो तुम्हारा ये जो पैनल है ये अगर जौहर शनास लोगों पे मुश्तमिल हुआ तो तुम देख लेना, रिजेक्ट नहीं कर सकता। थैंक यू सर। अस्नान, वो जो शर्ट तुमने दी थी प्रेस करने के लिए वो जल गई। व्हाट, दिखाओ मुझे ये। अरे यार ये तो मेरी फेवरेट शर्ट थी, ये क्या किया तुमने अमल? सॉरी। नहीं नहीं बेटा, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, कोई गलती नहीं तुम्हारी, गलती तो अजलान की है जिसने ये शर्ट तुम्हें प्रेस करने के लिए दी। लेकिन मैंने तो हाँ, गुलाबों से जली है, हजार दफा खाए ना, आंखें खोल कर काम किया करो। शर्मिंदा करवाती ना मेहमान के सामने। नहीं नहीं गुलाबो ऐसे कैसे कर सकती है। बेटा मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे माजरत करता हूँ। अरे अरे अंकल, कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, बस होने वाली बात ही हो गई। अरे डोंट वरी, आई विल बाय यू अ न्यू शर्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अंदर जाओ किचन में। और ये कौन लोग हैं भाई, सुबह सुबह फोन करना शुरू कर देते, नहीं काम नहीं होता क्या सारा दिन? क्या ये भी एहसास नहीं कि दूसरे कोई मसरूफियत होती है कोई, बस उठाया फोन और शुरू हो गए। अब इसको ना टेस्टिंग का कपड़ा बना देना, तुम्हारा प्लान पहले ही समझ गया था मैं। खैर रहने दो, ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना है मुझे। कैसा लग रहा हूँ? तुम ना अपना मुंह बंद रखो, अगर मैंने सबको बता दिया तो मुझे ब्लैकमेल करो तो तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम भी ना कम जला कर, पता नहीं जन्नू वाले को मुंह काला हो जाता है। तुम तो वैसे काला है। दुआ करना मेरे लिए। अच्छा हाँ हाँ करूंगी दुआ, अल्लाह करे कोई तुम्हें सच मुझे अगवा कर ले, थके मारी जान छूटे तुमसे। चमन आ रहा भी ना, ना दिन देखती है ना रात देखती है, जब दिल चाहता है फोन करना शुरू कर देती है, जैसे मैं तो फारिग बैठी रहती हूँ ना पूरा दिन। अजान चला गया, घर से तो चला गया, अब रोड पे बैठ के किसी को ताड़ रहा हो तो कुछ कह नहीं सकते। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम, और ये माथे पर इतने बल क्यों डाले में, पक्की झुरियां पड़ जाएंगी, अपनी उम्र से चार गुना बड़ी लगोगी। पप्पो इतनी छोटी सी बात को इतना खौफनाक बना देती हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए खुशामदीद, मेरी ट्रेजेडी फिल्म के नाकाम हीरो। आंख खुल गई, आज सुबह हो गई। ये सूरज सुबह सुबह क्यों निकल आता है? नाश्ता? इसलिए क्योंकि सूरज उसकी महबूबा नहीं बिछड़ी ना, तो वो रात भर जाकर तारे नहीं गिनता। मैं तुम्हें बता रही हूँ अभी भी वक्त है, ठीक हो जाओ। सिकंदर भाईजान आखिर कब तक सारा कुछ अकेले संभालेंगे? ऑफिस जाओ, उनकी हेल्प करो, ये इश्क माशूकी से जिंदगी नहीं गुजरती। अमल बाजी को बता दो कि ये लोगों की नसीहतें जो कर रही होती हैं ये मेरे सर पे से उतर जाती हैं। मैं बाजी इश्क में फना होने का कायल हूँ, मुझे तो इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये ड्रामे जो तुम कर रहे हो ना मेरे सामने मत करो, क्योंकि जिस ड्रामे में तुम अदाकार हो ना वहां मैं डायरेक्शन दे चुकी हूँ। ये दुनिया वाले मुझे ड्रामा ही तो समझते हैं भाई। पप्पो मैं आपको चाचू से ऐसे बात करने की इजाजत नहीं दे सकती। तो बीबी आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? चमनारा का फोन आया था आज, तुम्हारे चाचू के बारे में पूछ रही थी। मैं तो सोच रही हूँ कि अब फोन आएगा तो मैं उसको कह दूंगी कि दूर दूर से क्यों हाल पूछती हो, डायरेक्ट यहाँ आकर संभाल लो इसे। सारा मूड खराब कर दिया इन्होंने यार, मैं बता रहा हूँ खबरदार, वो जो खातून घर पे आई ना यहाँ पे तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। मेरा बैग पैक करो, मेरा बैग, मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक करो। कैसे जाओगे, व्हील चेयर पे? ओह माय गॉड। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारी और चमन आरा की जोड़ी खूब जचेगी, क्योंकि वो शादी से पहले साइकियाट्रिक वार्ड में चार्ज थी ना, इसलिए तुम्हें इतना इंटरेस्ट लेती है। दुनिया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, चमनारे की शादी कहीं और क्यों हो जाती? क्या इस दुनिया में मैं वाइट पागल हूँ या और भी पागल है? अगर और पागल है चमनारा से बोलो उनसे शादी कर ले। चाचू फूफो चाहे जो मर्जी कर ले, मैं आपको उस चमनारा के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगी। वादा वादा। अच्छा
क्योंकि तोहिन हो जाएगी नाश्ते की, तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर कल फिर तारे दिए तो कल नहीं करूंगा। कर रहा हूँ क्योंकि रिस्क को जाया नहीं करते। एक और अंडा बनाओ, एक और अंडा बनाओ। ओवर एक्टिंग बंद करो और नाश्ता करो। जी मैंने एक्टिंग पढ़ी है इंस्टीट्यूट से। गुलाबा तो देख रही है साबी चीटिंग कर रहा है फुल। पहले दिन ऑफिस वालों ने उसको काट दी थी। अरे किसी दोस्त की मांग के लाया होगा। हाँ सही कह रही, यकीन यही बात है, वरना इस शक्ल और अकल के साथ कौन से दिन एम्प्लॉयर देता है। शक्ल से ज्यादा तो गाड़ी चमक रही है। चलो और पीछे मुड़ के देखना नखरा करेगा। अर्धा भाग गुलाबो दो बार। चल लाना है जरा गुलाबो। भाईजान मॉडल की लग रही है। चाचू आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है इस गाड़ी के बारे में? अबे हमने पहली जॉब की थी तो हमें साइकिल मिली थी, ये कौन सी जॉब कर रहा है? हैं? चाचू आपने जॉब की कब? की थी। अंकल अगर आज मेरे वाले थे हाथ होते ना तो बिल्कुल इसी तरह आप उनको भी मिठाई खिलाता। आपको पता है सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से पूरे ऑफिस ने कलेक्टिवली ओके किया है मुझे। मैं यही चाहता था आंटी कि जिंदगी में जो कुछ मिले ना अपने बलबूते पे मिले। सही, आई टोल्ड यू आलिया, नौजवानों को ऐसा ही गैरतमंद और उनमें ऐसा ही मेहनत का जज्बा होना चाहिए। थैंक यू सर। वो इकबाल ने कहा ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन, तुम इकबाल के शाहीन हो। और अरे वाह वाह वाह, हमारे शाहीन यानी कार्टून ही कार्टून देख रहे। महमूद आप भी देखिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन चल रही है। अरे भाई जान आइए ना, बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून चल रहा है, आइए। सिचुएशन के बच्चे, ये मेहनती बच्चा तुम्हारा क्लास फेलो है ना, तुम्हारी उम्र का है ये? बाबू मुझसे बड़े हैं ये, सीनियर है मेरे, बताओ ना अमल। जी पापा, बहुत दफा फेल होके ताबे के लेवल पे पहुंचे होंगे ये। हाँ फेल तो खैर से तुम लोग भी बहुत दफा हुए हो। तुम लोग कहाँ पहुंचे और इसे देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये। पापा अपनी दोस्त से फरमाइश करके अगर ये गाड़ी ले आया है तो इसमें हम दोनों मासूमों का क्या कसूर है? दोस्त की गाड़ी यही कहोगे तुम? अरे अपनी मेहनत से हासिल की इसने ये गाड़ी। रहने दें, गुस्सा मत हो, इन लोगों ने तो मुबारकबाद भी नहीं दी मुझे। अजीब हो यार ताबी, अपनी दोस्त की कामयाबी पे खुशी नहीं हुई तुम्हें? क्या नाम तुम्हारा? आखिर कुछ भी हो, दुनिया की आसाइशें असल कामयाबी नहीं है नादान लड़के। असल कामयाबी तो मोहब्बत में कामयाबी है, मोहब्बत को पा लेना असल कामयाबी है। क्या फरमाया आपने? कुछ नहीं भाईजान, वो दीवाने सिकंदर का चैप्टर नंबर 11 पे मैं रोशनी डाल रहा था। तुम यही कुछ कर सकते हो सिकंदर? मतलब आप जिसके सामने मुंह उठाए दलील कर देते, किसी भी लौंडे के सामने दलील कर देते आप यार। लौंडा मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। अब मुझे कोई ना रोके ये मिठाई खाने के लिए, जबरदस्ती ना करे, मैं नहीं खा रहा मिठाई, ये आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहा, जा रहा हूं मैं, जा रहा हूँ। तभी वो बेटा 3 गुलाब जामुन चाय के साथ दे देना, सिर्फ खुशी की खातिर खा रहा हूँ, खुशी की खातिर थोड़े सा। हट, सॉरी बेटा, मैं जब भी से जिम्मेदारी उठाने को कहता हूँ ये व्हीलचेयर उठा के निकल जाता। अभी ताबी क्या सोचा तुमने? किस बारे में मामू?
बहुत बहुत मुबारक हो अजलान, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मिठाई मिठाई गुलाबो आओ, मिठाई खाओ तुम भी। अल्लाह आपको इससे बड़ी गाड़ी दे, बल्कि ट्रक दे आपको। थैंक यू गुलाबो। पापा ये अपने बाप की कमाई से गाड़ी लाके हमारे सामने शेखियां मार रहे हैं। अब इसका एक ही हल है, आप मुझे ढेर सारे पैसे दें ताकि मैं भी जीरो मीटर ट्रक, मेरा मतलब है गाड़ी लूं, और मिठाई भी डेफिनेटली इससे बेहतर होगी। अफसोस सद अफसोस, इंग्लैंड में मेहनत करके ये गाड़ी हासिल की है इसने, दिन रात पढ़ता रहा है वहां और जॉब तक किए इसने। मैं तो उस औरत को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिसने तुम्हारी तरबियत की है। थैंक यू। और देखो तुमने तरबियत की ना इन दोनों की, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे कि तुम अपने दर्दनाक ससुराल के माहौल के मुताबिक तरबियत करोगी इन बच्चों की। अपने इस बेताबी का तो बेड़ा गर्क किया तुमने, मेरी बच्ची को भी रखवा दिया। सुन रही हो? जी भाईजान। म्यूट रहना हमेशा, देखो भी देखो, कार्टून देखो, जैसे आप कहें। मेरे खुदा, तुम दोनों की वजह से ना बार बार ताने सुनने को मिलते हैं, मुझे बेइज्जती होती है मेरी। तो अम्मा एक ही दफा अच्छी तरबियत कर देती है। बिट्टू खा लो ना। शर्म 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 नहीं आ रही तुम्हें ये मिठाई खाते हुए? और भाई बाबा को भी कोई एहसास नहीं है, उसके सामने हमारी इंसल्ट कर दी और वो खुशी खुशी दांत निकाल के हंस रहा था। यार तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन मिठाई बहुत मजे किया। ये लो ठूसो फिर तुम, विदाइशी ने दी दे, खाना देख के तुम्हारा हाथ कहाँ रुकता है। तभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक दो रोज में यहाँ से चला गया तो ठीक है, नहीं तो इसकी शादी में बेगम चमनारा से करा दूंगी। बस उसकी सबसे बड़ी सजा पता क्या होगी? क्या? तुमसे शादी हो जाए उसकी, सारी जिंदगी बह बह करते रोता ही रह जाएगा बेटा। चुप 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 चुप, खबरदार जो ये अल्फाज अपने मुंह से दोबारा निकाले, बाबा मोहतरम के कान में अल्फाज चले गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मर जाऊंगी लेकिन इस तरह के फरेबी इंसान से शादी नहीं करूंगी। और इसको देखो, हमारे साथ मजे से अगवा हुआ, ढोल बजाई, भंगड़े डाले, फिर भी हमसे इंतकाम ले रहा है। मैं भी इसको छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर जरूर आऊंगी। देखो चमन आरा, भाईजान को मेरे ससुराल वालों के नाम से बिछड़ है, वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। तो मैं कौन से इजहार से शादी करना चाहती हूँ? मैं तो सिकंदर जी के लिए बोल रही हूँ। पता है भाभी, जब से मुझे उनकी जहनी कैफियत का पता चला है ना, मेरा तो दिल उनकी तरफ खिंचना शुरू हो गया। देखे ना, हम दोनों की जोड़ी कितनी जचेगी। मैं फूल, वो खुशबू। कंट्रोल चमन आरा, ये तुम्हारे शगुफों की खुशबू अगर चमन से बाहर निकल गई ना तो सारे जमाने में रुसवा कर रह जाओगी तुम। अरे तुम्हें सुना नहीं है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। शर्म आनी चाहिए, अपनी शादी की बात खुद कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, जब खानदान के बड़े अगर सीरियस नहीं होंगे और कुल मामला नहीं तय करेंगे तो बच्चों को तो खुद ही बोलना पड़ेगा ना। और मैं तो वैसे भी आपकी बेटियों की जैसी हूँ। तो और क्या, आपको याद नहीं है कितनी छुटपन में मेरी शादी हुई थी? अब आपके मेहताब से मैं कोई 5-6 बरस ही बड़ी होंगी। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे सही से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाकर ना फ्रिज में सर मार दूं। हाय भाभी प्लीज, मेरा रिश्ता कराने से पहले ना मरना। मरना तो सबने एक दिन, लेकिन आज कहीं तुम मेरे हाथों से मारी ना जाओ। कौन तंग कर रहा है आपको? लीजिएगा फोन जरा। अरे बातों की मार मुझसे ज्यादा कौन मार सकता है? कौन है बे? मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तेरे घर पे माँ बहन है या नहीं, ना तुझे गैरत दिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गैरत तो गैरतमंदों के पास होती है ना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की लड़की को छेड़ने की? मेरी बात सुन, पूरे पाकिस्तान में तेरा नंबर फैला दूंगा, कॉल कर करके मैसेज कर करके तेरा जीना हराम कर देंगे। चला रख शिकीर तैसी। अरे कोई तंग करता तो मुझे बताया करे ना आंटी, मैं हूं ठीक है। ऑल गुड। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? पता है आपको बहुत याद आती है आपकी। बहुत झूठे हो तुम, कोई याद नहीं आती। और वैसे वहाँ क्या हो रहा है? उर्दू तो खासी अच्छी हो गई है, उर्दू लगत की क्लासेस ले रहे हो? हाँ, अजलान का फोन है, प्लीज मुझे बात करने दे। अरे अजलान के बच्चे किधर घूमो? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बिल्कुल बात करने का दिल नहीं कर रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाला को दो फोन, मुझे जरूरी बात करनी है। हाँ, बहुत बदल गए हो, ऐसे बात करते हैं अपनी होने वाली मंगेतर से? अच्छा बताओ, मेरी कॉल क्यों नहीं आंसर करते? इतने क्या बिजी हो जाते हो, क्या करते हो पूरा दिन? टाइम नहीं होता मेरे पास, इसलिए। क्यों नहीं टाइम, ऐसा क्या करते हो? गर्ल्स कॉलेज जाके फुटपाथ पे खड़े होकर लड़कियां देखता हूँ। और बोलो, ये कोई करने वाली बात है अजलान? मैं मम्मी जी और डैडी जी को बताऊंगी तुमने अभी क्या बोला है, ठीक है? हाँ हाँ, तो लगाओ ना शिकायत। फोन से निकल के तो मारने से रहे वो मुझे। और जाते हुए फोन खाला को देती जाना। जाओ। हेलो, कट गया। शरबत नहीं पी रहे, चाय पीना चाह रहे। गरम चाय तो मंगाओ। जी भाई जान। अरे मैं संभल, जरा संभल के। माना कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं और आपका दिल मुझे देखकर रुकसा गया, मगर फिर भी कहूंगा। जरा संभल के। शक्ल देखिए अपनी। निगो, क्या हो गया चाय को? जी 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 भाई जान, ये जिससे तुम्हारी मौत वाकई होगी ना, खुशफहमी के एक्सेस से होगी। अस्सलाम वालेकुम। आओ भाई, बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह, कितने हैंडसम लग रहे हो तुम, है ना भाई जान? लुकिंग नाइस। कुछ लिबासी की अहमियत को समझते हो? आंटी, ये तो बस आपकी मोहब्बत है। थैंक यू अंकल। वैसे आंटी, एक कप चाय मिल सकती है? आज नाश्ते का मूड नहीं हो रहा। अरे लो, चाय भी आ गई भी। अरे वाह। अजान, मैं सोच रहा था कि तुम किसी रोज मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं अपने यंगर स्टाफ से। मैं आ जाऊंगा अंकल, कोई मसला ही नहीं। आपका हुक्म, मेरी जरा को। शाबाश, बहुत अच्छी तरबियत की तुम्हारे वालदैन ने तुम्हारी। थैंक यू। और एक मैं हूँ कि मैंने ताबी और अमल की बिल्कुल अच्छी तरबियत नहीं की है। मुझे पता है भाई जान आप यही कहने वाले हैं ना? नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि अपने सपूत से कहो कि अजलान की सोबत में बैठा करे, इसको भी कोई फाका हो। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं बिठाऊंगा। पापा, वैन नहीं आ रही और गाड़ी वर्कशॉप में, आज आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। गाड़ी वर्कशॉप में? मुझे पता ही नहीं कब से फिर लगी है क्या? हल्की फुल्की। बहुत अच्छी। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अंकल, अगर आपकी इजाजत हो और अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं मिस अमल को ड्रॉप कर सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा, उनकी जरूरी भी है। हाँ ठीक है, अमल अजलान तुम्हें ड्रॉप कर देगा, ठीक है? नहीं पापा, मैं मैनेज कर लूंगी। ओहो, लगता है मिस अमल शायद मेरे साथ जाना नहीं चाहती। कोई अमल ऐसी कोई बात है, कोई मसला है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, मैं चली जाऊंगी। तो फिर जाओ ना, लेट हो जाओगी, छोड़ देंगे वो। जाओ। शाबाश जी, चलिए मैं लेट हो रही हूँ। आइए ना प्लीज। वैसे आई प्रॉमिस मैं आपको किडनैप नहीं करूंगा। बड़े प्यार और एहतराम के साथ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। क्या हो गया? ऊपर देखो, ऊपर देख, चिड़िया 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 देखो, सुमन में चिड़िया दिखा रही है उसे, उसने हमारे हाथों के तोते उड़ाए हुए। ओहो, टोस्ट पे मक्खन लगाकर मुझे भूल गए, ये नाश्ता है या खता? अंडों के सौदागरों, खुदा का खौफ करो, खुदा से डरो। भाईजान, इसकी शायरी वायरी बंद करवा दे। नहीं, बंद कराए तो कराए। वाह वाह वाह, क्या काफिया मिला है। तुम फिर ठंडी चाय ले आई थी निको? जी भाईजान। ठंडी चाय एक कप में, ठंडी चाय एक कप में, मुझको भी तुम दे दो ना ठंडी चाय। ये लो एक ठंडी चाय का कप, ये भी लो। हमको यकीन ही नहीं था बाबा,
रमदा इस तरह से हमारे काम आएगा। इससे भी हमारा रिश्ता दुश्मनी से शुरू हुआ था। इसको कैसे पता चला कि बादल इस वक्त मजार पर है? आपके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया था। क्या मिला? पहले सिर्फ मैं मरती, अब हम दोनों मरेंगे। तुम ऐसा करो, आज रात को जनार खान को कमरा से नहीं निकलने देना। हम करता है कुछ। हमारा चेहरा को गौर से देखो, ये मौत का निशानी है। अभी दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हम को मारे। सब जानता हूँ मैं। सुबह सुबह मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का इरादा था ना, इसलिए गाड़ी वर्कशॉप भेजने का बहाना किया तुमने। दिमाग खराब नहीं है मेरा, वैसे डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत तो तुम्हें भी है। पर ये रोडे क्यों नाप रहे हैं हम लोग? जाना कहाँ है ये बताओ। ये आगे से मोड़ना, और मुझे ये बताओ कि कब तक हमारे घर में डेरा डालने का इरादा है। मेरा बस चले ना तो अपना आज ही सामान बांध लो। लेकिन वो तो तुम्हारे घर वाले इतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं, उसपे मुझे जाने ही नहीं देते। हाँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कितने खतरनाक आदमी हो तुम और किसी खास मकसद से आए हो। हाँ, वैसे मकसद तो काफी खास। देखा, मुझे पता था। अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे डेटी माइंड में? क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ लड़की, तुम तो मेरा सर फाड़ दोगी। ओ हेलो, तुमसे पूछ रही हूँ। देखो बात सुनो मेरी, तुम्हारे वालिद साहब से ना मैं बात करना चाहता हूँ। उनको बड़ा नेक और शरीफ आदमी समझता हूँ, लेकिन उनको पता नहीं है ये कि उनकी जो औलाद है ना, कितनी खतरनाक चीजों में मुलव्वस है। तुम फिर धमकी दे रहे हो? देखो तुम्हें पता है कि हम बुरे लोग नहीं और हमारा इरादा गलत नहीं था। वाह वाह वाह, इनक्रेडिबल। एक तो दूल्हे को किडनैप कर लिया सैलून के बाहर से, ऊपर से कह रही हो कि इरादा नेक मकसद आला। वाह, तुम दूल्हे नहीं थे। अरे तुमने तो दूल्हा ही समझा था ना। बस मुझे नहीं पता तुम पापा को कुछ नहीं बताओगे, समझे? कहां बस क्या सुबह सुबह, अब जाना क्या है ये बताओ। पता नहीं, मेरा अपना सर घुमा दिए तुमने। देखो अगर तुम मुझसे वादा करते हो ना कि पापा को कुछ नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा से रिश्ता तलाश करूंगी। हे वाकई? यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाँ, मेरे नजर में बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छी लड़कियां जानती हूँ मैं। वैसे भी कोई वालदैन तुम्हें अपनी लड़की खुद तो देंगे नहीं, शायद मेरे कहने पे दे दें। शक्ल से फ्रॉड ये लगते हो। अब ये रोक दो इधर। हेलो, बात सुनो मेरी, रिश्तों की कमी नहीं है मेरे पास। अभी यहाँ तुम्हारी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाऊंगा ना, तो लड़कियां मर मर आ जाएंगी मेरे ऊपर। और इतने रिश्ते हैं ना तुम्हारे पास, तो वो अपने तनाई के मारे चाचा की कराओ या वो आइंस्टाइन मेहताब की। चलो अब शाबाश। हाकम डाडी नाल, हां कि दिल भर जानी नाल, हां कि चन प्यारे नाल लाल, देखने ती उड़ी के हुड़ दस के। तुम्हें क्या हुआ है? इसका बटन किसने ऑन कर दिया? आपने से जाने तब कहती है ना, जब आपको मेरी कोई रिश्ता नजर आता मुझे फिट पड़ने। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, इस घर में और भी लोग हैं जो शादी के काबिल हैं। मेरा ख्याल है इस घर में सभी शादी के काबिल हैं। कोई रणवा है, कोई बेवा है, और कोई कवारा है, मत समेत। गुलाबो, मिट्टू है ना टैंग टैंग करने के लिए, तो तुम अपनी चोंच बंद रखो और किचन जाकर संभालो। तो मामा मामा मामा, क्या आपने मेरी शादी का प्लान कर लिया? हाय चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, बेटा मैं तो तुम्हारी शादी का फैसला कर लूं, मगर सामने वाले तुम्हें देखकर फैसला नहीं कर सकेंगे ना। बस ज्यादा नहीं, थोड़े से माकूल हो जाओ तो मैं कहीं तुम्हारा रिश्ता ले जाने के काबिल हो जाऊं। मामा, हीरे की कदर ना सिर्फ जौहरी ही जानता है। कहाँ हीरा? हीरा? अच्छा, वो जिसको सुबह भाईजान मिट्टी में रोल कर गए थे, वापस आकर मजीद रोलेंगे। वैसे पता है एक फैसला तो मैंने कर लिया है, मैं तुम्हें अजलान की शागिर्दी में दे रही हूँ, बहुत फायदा हो जाएगा तुम्हें। मामा, मैं उस खुरान आदमी की शागिर्दी में कभी नहीं जाऊंगा, मैं उससे बेहतर ना अमल से ट्यूशन ले लूंगा। ताकि जो बर्बादी मेरी तरबियत नहीं कर सकी वो अमल की ट्यूशन कर दे। नहीं, अजलान अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है, देता ले। झूठा मक्कार है?
झूठा मकार था मामा मामू, आपको पता है उसने स्कूल में हर एक लड़के से फ्रॉड किया है। मुझे तो अभी भी यकीन है वो ऐसा ही करेगा। और मामा, ऐसे लोग जहन्नमी होते हैं, जहन्नमी। और मेरा तो कोई इरादा ही नहीं है जहन्नुम जाने का, दूर दूर तक। बेटा वहीं जाओगे तुम वैसे। मामू, आप मामा को मना करें और इसको धक्के दे के घर से निकालें, वरना। वरना क्या? नहीं वरना क्या? क्या समझौता कर लेंगे? शाबाश बेटा, समझौता कर लो। मामू मुझे एक बात बताएं, आप अजलान के लेक्चर क्यों नहीं अटेंड करते? शायद कोई अफाका हो जाए आपको भी। मैं जैसा हूँ जो हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। मैं खुद को बदल के मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकता। तुम जैसे लड़के होते हैं जो कि कपड़ों की तरह महबूब बदलते हैं, वो क्या हुक्का है शायर में कि लड़की ट्रेन बस एक जाती दूसरी आती, एक जाती दूसरी आती। ये सोच है तुम लोगों की, जानते हैं। हाँ तो मामू क्या, एक इंसान दूसरे इंसान के पीछे पूरी लाइफ में गम में रहे क्यों? अरे इंसान को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ये बात मुझे अमल ने सिखाई है, वरना मैं तो आपकी तरह शादी के गाने सुन सुन के थरथरा रहा होता। चीनी नमक बोले क्या हो? मामू टपक गई ना तो मेरे मथे लग जाओगे। ब्लड प्रेशर लो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहा है। या अल्लाह ये कैसा अटैक है? मेरी गोलियां ले आना। हेलो, वो मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? नंबर चाहिए तो ऐसी ले लो, फोन क्यों मांग रही हो? गलतफहमी आपकी, मुझे एक इमरजेंसी हो गई। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई? तुम्हारे वहाँ चाचू इश्क के मारे मजनू की राह पे चलते हुए सहरा तक पहुँच गए या ताबी को मोहल्ले के लड़कों ने मिलके मारा? आपके मुँह में खाक, बदतमीज, बदलिहाज, बदइखलाक। वो मैं ये कह रही थी कि आपके सारे ही अंदाजे गलत हैं। मुझे ना दोस्त को मैसेज करना था, फोन की मेरी चार्जिंग खत्म हो गई और चार्जर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है, दे दे। तो इस तरह प्यार से कह रहा था ना? चश्मे बदूर दोनों आपस में यूं हंसते मुस्कुराते कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया इसने जो अमल इतनी खुश लग रही है? लीजिए। थैंक यू। वेलकम। हाँ हेलो राबिया, मेरा फोन बंद हो गया था, ऑन होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी वहां से, ठीक है? हाँ ओके बाय। हो गई बात? जी ये लो। अरे बंदा शुक्रिया अदा कर देता है। किस बात का शुक्रिया अदा करूं? तुमने कौन सी मेरी दूध की नहरें निकाल दी हैं? ओ हेलो, तुम्हारे लिए दूध की नहरें क्यों निकालूंगा? निकालनी होगी तो अपने लिए निकालूंगा ना मैं, फिर मैं क्रीम चीज बटर की फैक्ट्री लगाऊंगा। छोटी फ्रॉडन, इसने तो अपने नंबर पे फोन किया, यकीनन इसको मेरा नंबर चाहिए। लेकिन क्यों? हनी वो ग्रीन वाला भी रख लो, तुम पे बहुत प्यारा लगता है। हाँ जी ये बताओ कैसी लग रही हूं मैं? हाँ मत पूछा करो भाभी जी, सच बोल दिया ना मैंने तो फिर आपने गुस्सा खा जाना है। फिटे मुंह भाई आपका, आपसे बात ही किसने की है? हनी बेटा आ बताएं हैं? नहीं ये कपड़े, ये बैग, हाय मैं मर गई। नसन तेरी लगी है किसी के नाल? किसी के नाल तो नहीं पता, लेकिन किसी के लिए जरूर नस रही है। हा? हनी ये मैं क्या सुन रही हूँ,
ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਜਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬੱਟਾ ਨਾ ਲਾਈ ਫੁੱਪੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬੱਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗੇ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਡਰਾਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਵਨ ਸਕਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੌਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ वो जालिम बेवफा गर्ल्स कॉलेज के बाहर बैठ के लड़कियों को ताड़ है और यहाँ पे मुझे अपने घर के बाहर कदम रखने की इजाजत ही नहीं मिल रही कौन है किधी गल कर रही है अजलान और किसकी यूके जाके सारा शर्म हया भूल गया है खैर बेटा जी यूके जाने से पहले भी कोई खास शर्म हया तो थी ही नहीं उसके अंदर लेकिन गल परेशानी वाली बिल्कुल हैगी है क्यों इसरा बाजी तुसी गल नहीं की थी उहदे नाल मुझे पता ही नहीं था मैं तो पहली बार हनी के मुंह से अभी अभी सुन रही हूँ ये बात हनी सामान वापस रख पागल ना बन तेरे डैडी जी नाल मैं खुद गल करांगी हाँ जाना होएगा ना सारे आप जावांगे ते उन्हें सीधा भी करके ले आवांगे हाँ ओए इतना खुश सी मैं पता है तेनू डैडी जी की तेरे कॉल आई सी अज टवानिया का फंक्शन है हाँ खुसरे भी आ रहे ने इतने नचण लई हाँ पर अजलान लो मर्द होए ते मेरी खुशियां तो दुश्मन है दुश्मन चलाक झूठा फ्राडिया मैं नहीं गल करी किसी दे नाल भाभी जी मत जाइएगा मेकअप खराब हो गया है आपका तो फिर प्लान कैंसिल जाने का फिलहाल Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. आप हमारी न्यू नेबर है ना? Yes, मैं अभी इस वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ. Actually मैं किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे तो. अच्छा हाँ. Nice to meet you. क्या हुआ कुछ परेशान लग रही हैं आप? हाँ. मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है मुझे कहीं जाना है. आप फिक्र ना करें. We'll sort it out. Thank you. जी अजलान. अजलान चौधरी. Thank you अजलान. ताबीब. इधर आना. नहीं 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 इसको क्यों बुला रहे हैं तो मेंटली अपसेट है ना. नहीं नहीं बस थोड़ा सा स्क्रू डील है इसका. लड़का अच्छा है. हाँ ताबी इधर आओ. मुझे आवाज आ रही है यहीं से बोल दो ना. आप पड़ोसियों की भी कोई हकूक होते हैं ना बेटा. इधर आओ देखो गाड़ी खराब है इनकी. आ जाओ आ जाओ. मैं मिस्त्री थोड़ी हूँ यार. ताबी इधर आओ. ये है ताबी और आप शमा. तो बस आप आके गाड़ी में बैठे. विल फिक्स इट. थैंक यू. अच्छा प्लीज आ जी. चेक करो उसको. नो प्रॉब्लम. हाँ भाई क्या मसला है? नजला हो गया इसको. नजला हो गया है. टर्मिनल चेक कर इसका. हाँ घुमा घुमा घुमा. टाइट कर टाइट कर. अब स्टार्ट कीजिएगा प्लीज. ओके. अच्छे बोला नीचे कर. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच. ये आपके टूल्स हैं ये इधर रख देता हूँ. Thank you, Aslan. Not a problem. I wish I wasn't getting late, but now I would have offered you a cup of coffee or something. Thank you so much. Maybe please. Later. Anji, have a nice day. Thank you. Thank you. Perfect. Allah Hafiz. Credit देने का रिवाज नहीं है आपके घर में? क्रेडिट की तो जंग है बेटा. तुम नहीं समझोगे. देखें आप ना मेरे चचा का पीछा छोड़ दें क्योंकि वो आपको घास नहीं डालने वाले. क्यों क्या कमी है मुझमें? खूबसूरत हूँ. कोयल की तरह से खनकती हुई आवाज है. जिंदा दिल हूँ. वो तो खैर मेरी शादी जल्दी हो गई थी तो इसलिए सब मुझे चची मोमानी कहना शुरू हो गए. वरना मेरी उम्र की लड़कियां ना कवारी बैठी हैं. एक बात बताओ ये तुम्हारे चाचा को तकलीफ क्या है? सोचते क्यों नहीं है वो मेरे बारे में? चाचू ना एकदम बदमिजाज है. कड़वे करेले
बिल्कुल सड़ियल। इसीलिए मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा। अच्छा कौन है भला? बहुत भला लड़का है, हैंडसम और स्मार्ट, बिल्कुल आपकी तरह। आप दोनों की जोड़ी एकदम हिट लगेगी। अच्छा फिर कब ला रही है रिश्ता अमल जानी? ऐसे तो नहीं होता, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ नंबर दूंगी, आप सिर्फ कोशिश कीजिएगा मेरा नाम बीच में ना आए, लेकिन आपने ना उससे फुल जान पहचान बढ़ानी है। आपकी कोयल जैसी आवाज उनके कानों पे जरूर असर करेगी। नहीं भाई मैं एक मशरकी लड़की हूँ, मैं ऐसे लड़कों से बातें थोड़ी ना बगाड़ूंगी। देखिए आजकल ना ऐसे ही चलता है, आप किसी बहाने से उनको कॉल करें और फिर मुख्तलिफ बहानों से उनको कॉल करती रहे, लेकिन बस आपने हार नहीं माननी। हारना तो चमन आरा ने सीखा ही नहीं है। तुम ये बताओ कि वो है कौन? मेरी फ्रेंड के मामू है। बहुत हैंडसम है, अब बस उनकी भी फर्स्ट वाइफ से बन नहीं सकी, लेकिन बहुत गुड लुकिंग और अमीर, कई जायदादों के मालिक। अगर आपसे पट गए ना तो बस आपकी समझे लॉटरी निकल आएगी। चलो तुम कहती हो तो ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तुम्हें पता है कि मैं इस किस्म की लड़की हूँ नहीं। बस मैं आपको नंबर भेज रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। लगता है आज ईद का चांद दोपहर में निकल आया। ईद का चांद तो नहीं निकला, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें दिन में तारे नजर आने वाले। मेरा तो चांद भी तुम और तारा भी तुम, बस तुम्हारे दिल में अपना ध्यान डालना। अच्छा हुआ ना हनीमून से आ गए हैं, तो अब उनको मेरा पैगाम दो कि संडे वाले दिन उन्होंने हमारे घर खाने पे आना है। मर्जी का सुकून और खामोशी पसंद नहीं करके अंदर। ठीक है ओके खुदा हाफिज। अब किसको डिनर में बुला रही है भाजी आप? भाई वो फिरोजा से बात कर रही थी, सानिया और उसका शोहर आ गए ना हनीमून से, तो उन्हें खाने पर बुला लिया। क्यों? मेरा मतलब कि क्यों बुलाया मामा? ये किस किस्म का सवाल है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अरे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे मामा, प्लीज आप ये दावत कैंसिल कर दें, प्लीज आपको गुलाबों की कसम। कसम भी दी तो किसकी, इसे कुछ नहीं होगा, डीड हड्डी है। हड्डी भाजी मुझ में? हड्डी क्या कह रही हो? हाँ इस सारे गोश्त पोस्ट के अंदर ना हड्डियाँ होती हैं। मेहमानों की आमद, खुश इखलाकी के झूठे मुजाहरे, गिलावजा की अपनायत। कैसे हैं आप? ये दुनिया इतनी मुनाफिक क्यों है भाजी, क्यों है? वो जो इजहार है ना भाईजान जी, वो घर आ रहे होंगे, उनसे पूछना सारे जवाब दे देंगे वो। सवाल तो मेरे पास भी है भाई, उनसे करने के लिए। ये दो घर, तीन फार्म हाउस और ये तीन पेट्रोल पंप, ये आखिर ये कैसे आप? ये कौन से केमिकल का काम कर रहे हैं? एक दिन हम सब जेल जाएंगे बाजी, हम सब जेल जाएंगे, जेल जाएंगे हम लोग। है तीन पेट्रोल पंप, वाकई भाईजान कर क्या रहे हैं? फिर भी देखो चले है, चले है, चले।